हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स। देखो ये हमें रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई रेशनल नंबर है a अपॉन b, ठीक है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, a अपॉन b का रेसिप्रोकल करेंगे। a अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन a, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b अपॉन a। सिमिलरली b अपॉन a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास होगा a अपॉन b। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लो हमारे पास है a अपॉन b, इसका हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b अपॉन a, तो माइनस a अपॉन b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा माइनस b अपॉन a, और इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है गाइस, अब हम ए पोर्शन को लेते हैं। देखो ए पोर्शन में हमें क्या दिया है, 49। 49 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 49। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन 49। देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 इंटू 1 अपॉन 49, 49 से 49 कैंसिल, आपके पास आ गया 1। ठीक है, इसका मतलब 49 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 49 होता है। ठीक है, अब बी पोर्शन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 27। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 27। ठीक है, नाउ सी पोर्शन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 अपॉन 5। ठीक है, डी पोर्शन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 4। ओके, ई पोर्शन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10 अपॉन माइनस 17 इसका रेसिप्रोकल कर दो तो माइनस 17 अपॉन 10। और लास्ट पोर्शन देखो, एफ, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 6। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो साइड में कर लेते हैं, माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 6। देखो 3 से कट गया ये 2 टाइम, 4 से कट गया ये 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया माइनस का 1। ठीक है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 1। ठीक है, और माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने इसको कंप्लीट को सोल्व कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1, और माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपका माइनस 1। ठीक है गाइज, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइज, सेकंड क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ए पोर्शन, 12 अपॉन माइनस 15 इंटू 5 अपॉन 17 इज इक्वल टू 5 अपॉन 17 इंटू ब्लैंक। तो इसमें आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए। ठीक है, अब देखो इसको हम बोलेंगे a और इसको हम बोलेंगे b, a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए। देखो इसमें b है a नहीं है, तो a क्या होगा आपका, 12 अपॉन माइनस 15। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बी। बी में हमें दिया है 0 × -5/7 इज इगल टू ब्लैंक इंटू जीरो। बिल्कुल इजी है, इस ब्लैंक में आ जाएगा आपका -5/7, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये। तो इसमें आ जाएगा -5/7। नाउ सी पोर्शन, -15/17 इंटू ब्लैंक, यानी कि -15/17 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि रिजल्ट क्या मिले आपको, 0। तो यहां सिंपल है, 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसको हम 0 प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पोर्शन डी, इसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन अप्लाई होती है। देखो ये क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। देखो इसको आप ए ले लो, 1/2 को बी, 1/5 को सी, तो आपके पास क्या आएगा, ए इंटू बी, देखो ए नहीं है बी है, तो ए क्या होगा, 4/7, तो इसमें आ जाएगा 4/7, ठीक है, प्लस ए सी, ए हमारे पास क्या है, 4/7, हो गया ये आपका डी पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन ई, 32 × -34 × blank = 32/-34, यानी कि 32/-34 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे को यही मिल जाए, तो सिंपल है 1 के साथ, तो इसमें आ जाएगा आपका 1, ठीक है, ये आपका ई पोर्शन कंप्लीट। अब हम लेते हैं ए पोर्शन को, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैसे, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी। देखो ये आपका ए है, ये बी हो गया और ये आपका सी, तो इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ए इंटू बी, यानी कि ए है बी नहीं है, सी आपके पास है और बी के आपके पास 4/3, तो इसमें आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं हम जी। जी तो सिंपल है, -97/99 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट आपको 1 मिले, तो इसका रेसिप्रोकल, दैट इज -99/97 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा, क्लियर। अब लेते हैं इसका लास्ट पोर्शन, देखो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये क्या होगी, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल होगा ए बी और माइनस ए सी। देखो ए ये हो गया बी सी, फिर ए बी, ए है बी नहीं है, बी क्या आपके पास, 2/5, तो इसमें आ जाएगा 2/5। आगे ए सी, ए है सी नहीं है, सी क्या है, 1/5, तो इसमें आप लिख देंगे 1/5, ठीक है गाइस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोवेस्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई करना है फिर उसके रिजल्ट को हमें लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ए पोर्शन, देखो ए पोर्शन में हमें दिया है 5/9 × -7/15। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -7 − 35/15 = 135, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखनी है, तो देखो ये 5 से कट गया, कितने टाइम, -7 टाइम, और ये 5 से कट गया, 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन बी, बी में दिया है -18
इंटू 15 अपॉन 24, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 270 और अपॉन में 24, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखनी है, तो देखो ये 3 से कट गया आपका 90 टाइम और ये कट गया 8 टाइम। फिर से देखो ये 2 से कट गया, 2 से कट गया माइनस का 45 टाइम और ये कट गया 4 टाइम। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई। अब गाइस सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में देखो हमें दिया है 5 एंड 1 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 9। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 इंटू 5 35 प्लस 1 36 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 9। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 36 इंटू 3 108 अपॉन 9 इंटू 7 63। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब हम इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो देखो ये 9 से कट गया, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18 और 9 सेवन जा 63। ओके, अब लास्ट पोर्शन डी, माइनस 4 अपॉन 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 60। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस का 20 अपॉन 16 थ्री जा 48। ओके, ये मल्टीप्लाई आ गया। अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म देखो, 24 से कट जाएगा 5 टाइम और 48 कटेगा आपका 12 टाइम। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है गाइस। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई माइनस 9 अपॉन 16 बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 16। क्या बोला है कि माइनस 9 अपॉन 16 को मल्टीप्लाई करना है 15 अपॉन 16 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, ठीक है। तो पहले हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 16, 15 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16 अपॉन 50, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका। सो नाउ 16 अपॉन 15 इंटू माइनस 9 अपॉन 16। देखो 16 से आपका 16 कट गया, ये भी 3 से कट गया, कितने टाइम आपका 3 टाइम और ये कट जाएगा 5 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को लेते हैं। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है। ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमें दिया है 13 अपॉन 17 इंटू माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1 बाई 2। ओके, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। 13 अपॉन 17 इंटू, देखो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू माइनस 3 आपका माइनस 3 प्लस 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 1 2। अब इसको सोल्व कर लो, 13 अपॉन 17 इंटू माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा और अपॉन में 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इंटू माइनस 1 माइनस 13 और 17 4 जा 62, ठीक है। अब हमें इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, a इंटू
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये साइड तो हमने पहले ही निकाल ली, यानी कि LHS कितना निकाला अपन ने, LHS इज इक्वल टू माइनस 13/68। इसको फिर से सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, इसको मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, 13/17 इंटू माइनस 3/4, फिर प्लस 13/17 इंटू 1/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 3 जा माइनस का 39/17 4 जा 68, फिर प्लस 13 into 1 13 और 17 2 जा 34। नाउ टेकिंग एलसीएम, 68 और 34 का एलसीएम क्या होगा, 68। 68 में 68 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू माइनस 39 तो आपका आ जाएगा माइनस का 39, प्लस 68 में 34 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 13 26। ठीक है, अब देखो माइनस का 39 है प्लस का 26 है, तो हमारे पास आएगा माइनस का 13/68। ये हमारे पास RHS आ गया। अब देखो LHS क्या है, माइनस 13/68 और RHS क्या है, माइनस 13/68, तो ये आपकी वेरीफाई हो गई। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई। बी पोर्शन बिल्कुल इजी स्टेट, देखो 0 इंटू आपका ये दे रखा है, तो 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, 0। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है, अब हमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास इसकी LHS आ गई। ठीक है, अब RHS को सोल्व करते हैं, 0 into 2/3 प्लस 0 into -5/7। ठीक है, 0 into 2/3 क्या होगा, 0 प्लस 0 into this 0, 0 plus 0 क्या होगा आपका, 0। दैट मीन्स LHS भी 0 और RHS भी 0। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फाइंड x, हमें x को फाइंड आउट करना है। इफ x इज द रेशनल नंबर सच दैट x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन है x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x। ठीक है, सबसे पहले आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और इज इक्वल टू में आपका x। ठीक है, अब इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो x स्क्वायर माइनस x और इसके इक्वल में आ जाएगा 0। ठीक है गाइस, अब हम इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे। देखो यहां x स्क्वायर यहां x है तो हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा x और आगे बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान देना है x इंटू x माइनस 1 के इक्वल में क्या है, 0। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि x के इक्वल में आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड x माइनस 1 के इक्वल में भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये 0 वो दोनों के इक्वल में है, तो एक बार तो इस x के इक्वल में 0 आएगा और एक बार इस x माइनस 1 के इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है,
तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इस साइड आएगा तो प्लस का वन, जीरो प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका वन। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो जीरो और दूसरी क्या आ गई वन। देखो इसमें हम पुट करके देखते हैं, हमारे पास है एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, देखो जीरो रखेंगे, जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो, तो ये करेक्ट है आपका। अब वन को चेक करेंगे तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, तो ये भी आपका सही है। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो जीरो और दूसरी आपकी वन। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेवन को लेते हैं, वेरीफाई द फ्लोइंग, इनको वेरीफाई करना है, एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है और हमें मल्टीप्लाई भी करना है। ए पार्ट को लेते हैं, ए पार्ट में सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड फाइव अपॉन सेवन इंटू माइनस नाइन अपॉन टू। अब गाइस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव माइनस का अपॉन सेवन टू जा फोर्टी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस नाइन अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन सेवन, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव माइनस का और टू सेवन जा फोर्टी, देखो दोनों साइड इसके इक्वल है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया वेरीफाई। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी कौन सी है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं और बी पोर्शन में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस थ्री बाई टू इंटू वन बाई सेवन प्लस नाइन अपॉन एटी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो नाइन से ये कट गया टू टाइम, तो हमारे पास आ गया माइनस थ्री बाई टू इंटू वन बाई सेवन और प्लस वन बाई टू। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस थ्री बाई टू इंटू सेवन और टू का एलसीएम आ जाएगा आपका फोर्टी, टू टाइम टू इंटू वन आपका टू प्लस फोर्टीन में टू का डिवाइड सेवन टाइम सेवन इंटू वन आपका सेवन, तो हमारे पास आ गया माइनस थ्री बाई टू इंटू टू प्लस सेवन नाइन अपॉन फोर्टीन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री इंटू नाइन माइनस का ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी एट, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, देखो राइट हैंड साइड क्या है, माइनस थ्री बाई टू इंटू वन बाई सेवन फिर प्लस माइनस थ्री बाई टू इंटू नाइन अपॉन एटी, इसमें कुछ कटता नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थ्री इंटू वन माइनस का थ्री अपॉन टू सेवन जा फोर्टीन फिर प्लस, देखो ये कट गया नाइन से टू टाइम, तो हमारे पास आ गया ऊपर तो माइनस का थ्री और नीचे हो गया आपका फोर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, फोर्टीन और फोर का एलसीएम आपका आ जाएगा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट में फोर्टीन का डिवाइड टू टाइम टू इंटू माइनस थ्री माइनस का सिक्स फिर प्लस ट्वेंटी एट में फोर का डिवाइड सेवन टाइम सेवन इंटू थ्री आपका माइनस का ट्वेंटी वन। अब इसको ऐड कर लीजिए, माइनस सिक्स प्लस इंटू माइनस माइनस ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी एट, तो हमारे पास क्या आ गया, सिक्स और ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी एट। ठीक है गाइस, तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी एट और राइट हैंड साइड भी आ गई इसकी माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी एट, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब प्रॉपर्टी का नाम बताना है,
तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, ये इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। ठीक है गाइस, तो ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं सी पोर्शन और डी को लेता हूं। सी पोर्शन बिल्कुल इजी है, लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहो ले सकते हैं, अदरवाइज सीधा भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 5/8 इंटू 8/5, 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, आपके पास आ गया 1। अब ले लो इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है, 8/5 इंटू 5/8, 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, इज इक्वल टू 1। दोनों साइड इक्वल है, 1 के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो देखो 5/8 इसका रेसिप्रोकल 8/5, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब गाइस डी पोर्शन को लेते हैं, और डी पोर्शन में हम क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड -5/6 इंटू 12/15 इंटू 9/15, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीधा ही, 5 से कट गया ये 3 टाइम, ठीक है, और 3 से कट गया 9 आपका 3 टाइम, आराम से देखेंगे, 3 से कट गया ये 2 टाइम और 2 से कट गया ये 6 टाइम, फिर ध्यान से देखेंगे 6 है वो 3 से कट गया 2 टाइम और ये कट गया 5 टाइम, ऊपर बच गया माइनस का 2 और नीचे बचा आपका 5, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं, माइनस मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -5/6 इंटू 12/15 इंटू 9/15, सेम प्रोसेस है, 5 से कट गया 3 टाइम, 3 से कट गया ये 3 टाइम, 3 से फिर 2 टाइम और 3 से कट गया 4 टाइम, ये आपका 5 टाइम, 2 से कट गया ये आपका 2 टाइम, सेम आ गया माइनस का 2/5, दोनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखना है, तो देखो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये आपकी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को लेते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला है कि इज -19/14 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/5/14, हमें बोला है कि क्या -19/14 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो देखो स्टूडेंट अगर -19/14 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 14 + 14 + 5 या गया माइनस का 19/14 और इनटू में आपका ये आ जाएगा -19/14 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर -19/14 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/5/14, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब गाइस इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरीफाई करना है, तो पहले मैं इसकी एलएचएस साइड लेता हूं,
देखो LHS क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड, ओके एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, x हमारे पास है 3 अपॉन माइनस का 4, इंटू वाई क्या है माइनस 11 अपॉन 17, इंटू जेड क्या है माइनस 21 अपॉन 22। पहले इसको हम सोल्व करेंगे, तो 3 अपॉन माइनस का 4 इंटू माइनस से माइनस कट गया, 11 को 22 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 22, ये आ गया हमारे पास 231 अपॉन, इसको इसके साथ करो 22 इंटू 7 14 15 22, ये आ गया 473। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा ये हमारे पास 3 3 3 9, 3 2 6, और ये हो गया 4 4 16, 1 कैरी 28 प्लस 1 29, 2 कैरी 12 और 240, ये हमारे पास इसकी LHS आ गई। अब हम इसकी RHS लेते हैं, RHS क्या है x इंटू वाई और इंटू में z, x की वैल्यू पुट करो 3 अपॉन माइनस 4 इंटू वाई कितना है माइनस 11 अपॉन 17 और इंटू में माइनस 21 अपॉन 22। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 थ्री जा 33 अपॉन 17 फोर जा 68, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 अपॉन 22, करो मल्टीप्लाई 33 को 21 के साथ करेंगे तो 33 और ये हो जाएगा 66, 396, तो ऊपर आ गया माइनस का 693, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं कितना आता है 68 22, 8 2 16, 1 कैरी 12 और 1 13, ये आ जाएगा 6 3 1 6 9 4 1, ठीक है तो 1 4 9 6। तो आप देख सकते हैं ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS जो कि दोनों इक्वल है, तो therefore LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है गाइस, ये आपका वेरीफाई हो गया और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।